महागांव में एक बार फिर स्टार मोबाइल नाम की दुकान में हुई चोरी। गौरतलब है कि आज से 7 महीने पूर्व इस दुकान में चोरी हुई थी। उस वक्त चोरों ने करीब 30 स्मार्टफोन के साथ लाखों का सामान चोरों ने दुकान से चुराया था, जिसको लेकर थाना में शिकायत भी दर्ज की गई थी। सभी मोबाइल के IMI नंबर प्रशासन को उपलब्ध भी कराए गए थे, लेकिन चोरी के 7 माह गुजरने के बाद भी चोरी की गई मोबाइल और चोर का कुछ पता नहीं चल पाया। और कल फिर इसी दुकान में चोरों ने रात में जमकर उत्पात मचाया है। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्य सड़क पर दुकान है और चोरों ने शटर पर लगा ताला तोड़ फिर अंदर गेट का ताला तोड़ा है और उसके बाद अंदर प्रवेश कर सारा सामान ले गए। अब सवाल ये उठता है कि रात की गश्ती पर पुलिस करती क्या है, और अगर इस दुकान में चोरी 7 महीने पहले हुई थी तो उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, जबकि मोबाइल के IMI नंबर से मोबाइल का पता लगाया जा सकता है। तो अब तक पिछली हुई चोरी का उद्भेदन पुलिस क्यों नहीं कर पाई। दुकान के मालिक ने साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही बताई है। मालूम हो कि महागामा में हाल ही दिनों में आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में महागामा पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमित सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सप्रेस न्यूज के लिए। आपका नाम? मोहम्मद जियाउन नबी। आपका कौन सा दुकान है आपका, इसमें चोरी हुई है? स्टार मोबाइल। कहाँ पर है ये? डॉक्टर तरुण मिश्रा के बगल में, मिडिल स्कूल के सामने में। आपको मेन रोड में? हाँ, मेन रोड में। गंगा सुबह हमको फोन आया कि आपका मोबाइल का दुकान का ताला टूटा हुआ है। तो जब मोबाइल दुकान पर अपने पहुंचे हम तो देखे कि यहाँ पे ताला दोनों मेरा काट दिया गया है, तो उसके बाद अंदर का भी ताला चाड़ के तोड़ दिया है। शटर उठाए, उठाने के बाद देख रहे कि अंदर का सारा सामान साफ है, कुछ बटन वाले मोबाइल को छोड़ के। और अभी इस घटना को लेकर हम थाना आए हुए हैं, और यह घटना मेरे साथ 7 मार्च को भी पहले हो चुका है, और उस बार तो और ज्यादा मात्रा में, जितना ज्यादा था सब समेट के ले। यानी कि लगातार 2 बार आपके दुकान में चोरी हो गई? जी जी, 2 बार हो गई। एक 7 मार्च को, एक आज। जो मार्च में जो चोरी हुई थी उसका अभी तक कोई उसपे नहीं, उसपे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, और कोई उसपे अभी जितनी बार भी हम मिले तो बोला इस पे कार्रवाई हो रही है, मोबाइल एक्टिवेट नहीं हुआ है, इस वजह से पूरा अभी आपका मामला पता नहीं चल पा रहा, और ये दोबारा दूसरा घटना हो गया फिर से मेरे दुकान में। तो उस समय जब आपने जब आपकी दुकान में चोरी हुई थी मार्च में, तो उसमें EMI नंबर वगैरह आपने सबमिट किया था? जी दुकान जी, सारे मोबाइल का EMI नंबर मैंने सबमिट किया है। तो क्या कह रही है पुलिस, अभी तक उसका ट्रैक नहीं कर पाई? ट्रैक नहीं हो पा रहा, या कुछ मोबाइल अभी एक्टिवेट नहीं हो पाया, या नहीं कर रहा एक्टिवेट, सिम नहीं लगाया शायद, इस तरह का कुछ लग रहा है। कभी इसमें पूरी लापरवाही, अगर लापरवाही नहीं, अगर कोई मोबाइल मेरा यहाँ से ले गया है लाखों रुपया का, तो वो मोबाइल ऐसे ही रख के सजाने के लिए तो नहीं ले गया होगा, जबकि डब्बा फाड़ के यहीं पे फेंक दिया था। डब्बा भी बाद में मिला है, वो भी थाना में जमा है, तो मोबाइल तो चलाना ही ले गया होगा, तो वो बिना एक्टिवेट किए क्यों रखेगा मोबाइल को। यानी कि 7 महीने पहले आपकी दुकान में चोरी हुई थी, पुनः आज फिर चोरी हो गई। जी, पुनः आज फिर से दोबारा।